कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गेहूं के बाजार के बारे में। गेहूं के बाजार में सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद बहुत ज्यादा तेजी पर विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और खबरों के मुताबिक सरकार द्वारा आयात शुल्क घटाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस दौरान इस साल देखा जाए तो गेहूं में सरकारी स्टॉक 16 साल के सबसे निचले स्तर पर है। सरकारी खरीद अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है, जिससे बीते हुए कुछ दिनों में गेहूं आयात पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। गेहूं कारोबारी संजीव जैन के अनुसार दक्षिण स्थिति बंदरगाहों के आयातकों ने सरकार से दो मांग की है। पहला कि गेहूं के आयात खोले जाएं और इस पर लगी 44% इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए। और बाजार जानकारों के अनुसार गेहूं आयात पर स्थिति परीक्षण के लिए स्टॉक लिमिट पर फैसला लिया गया है। अगर स्टॉक लिमिट लगाने के बाद भी गेहूं के दामों में तेजी बरकरार रहती है तो गेहूं इंपोर्ट का मजबूत आधार बन सकता है। सरकार का कहना है कि देश में गेहूं स्टॉक भरपूर है, दामों को स्थिर करने और सरकारी स्टॉक से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए गेहूं आयात को हरी झंडी मिल सकती है। यदि गेहूं आयात के लिए ड्यूटी कम की जाती है तो आयातित गेहूं जुलाई से दक्षिणी भारत के पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो सकता है। त्योहारी सीजन से पहले ही खाद्य महंगाई को कम करने के लिए खुले बाजार में बिक्री के जरिए गेहूं बिक्री की योजना बनाई गई है, जिसके लिए गेहूं आयात करना पड़ेगा। बाजार जानकारों का कहना यह है कि सरकार द्वारा गेहूं में स्टॉक लिमिट लागू किए जाने से गेहूं के दाम में बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं कम है। सरकार द्वारा तय की गई भंडारण सीमा कारोबारियों के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही अगले महीने से गेहूं की डिमांड भी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने थोक कारोबारियों के लिए 3,000 टन गेहूं के भंडारण की सीमा तय करी है, जो कि इन कारोबारियों के लिए काफी ज्यादा पर्याप्त है। 10 टन भंडारण सीमा पर्याप्त है, इससे अधिक गेहूं का भंडारण कम ही कारोबारी करते होंगे। आटा मिल वालों को भी अपनी स्थापित मासिक क्षमता का 70% और खुदरा कारोबारियों के लिए 10 टन भंडारण सीमा पर्याप्त है, जिससे कारोबारियों को भंडारण करने वाले गेहूं को बेचने की हड़बड़ी भी नहीं होगी। हालांकि भारी मात्रा में भंडारण करने वाले कुछ बड़े कारोबारियों को थोड़ा ही बहुत दिक्कत हो सकती है। थोक बाजार हनुमानगंज में आटा मैदे के जो व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि भंडार सीमा पर्याप्त होने से गेहूं के दाम में बड़ी गिरावट आने की संभावनाएं हैं। लॉरेंस रोड पर दाम फिर से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। जानकारों का मानना है जल्द ही इसमें और भी 200 से 250 रुपये तक की तेजी फिलहाल बन सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।